शक्ति को लेकर राहुल गांधी ने दिया ऐसा बयान कि छिड़ गया सियासी घमासान। पीएम मोदी ने राहुल के बयान को बनाया चुनावी हथियार। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के बाद आज की चुनावी तस्वीर में मुकाबला पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी के रूप में दिख रहा है, लेकिन इस मुकाबले में किसका पलड़ा है भारी? चलिए कुछ आंकड़ों और मौजूदा हालात को देखते हुए इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं बात चुनाव की। कई मर्तबा अपने बयानों से कांग्रेस को गहरी चोट पहुंचाने के बावजूद भी राहुल गांधी है कि अपने शब्दों को संभालते ही नहीं है। मैं ऐसा आज इसीलिए कह रही हूं क्योंकि सियासी जानकारों का ये मानना है कि राम, राष्ट्र, जाति जैसे तमाम संवेदनशील मुद्दों पर विवादित बयान देने के बाद अब फिर से हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का इस्तेमाल करके फंस गए हैं राहुल गांधी। अब आगे कोई भी बात करने से पहले आइए आपको राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने दिया वो हूबहू मैं सुनवा देती हूं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से डरने लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति के मैं बात कर रहा हूं उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। अब इस बयान को लेकर एक राय ये है कि राहुल गांधी से गलती ये हुई है कि उन्होंने शक्ति पर बात करते हुए हिंदू भी जोड़ दिया। फिर क्या था, बस इसे, इस मुद्दे को बीजेपी ने भुना लिया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे आक्रामक अंदाज में बयान दिया वो भी सुनिए। इंडी एलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं, मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में
इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की इस गलती को अपना चुनावी हथियार बना लिया। राहुल गांधी ने ये बयान इंडिया अलायंस की एक बड़ी रैली जो शिवाजी पार्क में हुई वहां पर दिया और ये मौका था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बाद इंडिया गठबंधन की एकता को दिखाने का। भारत जोड़ो यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये दोनों यात्राएं यानी कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्राएं, ये दोनों यात्राएं जिसका मकसद कांग्रेस की छवि को बेहतर करना था, लेकिन एक और बड़ा मकसद था राहुल गांधी की खुद की छवि को मजबूत बनाना। लेकिन क्या ऐसा हो पाया है? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको जनता की राय क्या कहती है और एक शब्द जिसे परसेप्शन कहा जाता है और इस शब्द की अहमियत राजनीति में बहुत होती है, परसेप्शन क्या सेट हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। एक बात आप ये जान लीजिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब राहुल गांधी अपनी पदयात्रा पर निकलते हैं तो अब लोग उन्हें कांग्रेस के लीडर के तौर पर देखने लगे हैं और मानो ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि औपचारिक तौर पर कौन पार्टी के फैसले ले रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, राहुल गांधी को इस वक्त लोग सबसे बड़ा मोदी विरोधी मानने लगे हैं, जिसका कारण क्या है? राहुल गांधी की तरफ से दिए गए कई सारे ऐसे बयान। अब अगर इन दोनों यात्राओं को मैं कंक्लूड करके आपको समझाऊं तो भारत जोड़ो यात्रा यानी कि पहली पद यात्रा जिसमें राहुल गांधी के लिए एक धारणा ये बनी कि भाई नेहरू गांधी खानदान का इतना बड़ा युवा नेता हमारे बीच में है, 4000 किलोमीटर की यात्रा से लोगों ने खुद को बहुत जोड़ने की कोशिश की और खास तौर पर एक गंभीर छवि राहुल गांधी को देने में इस पहली यात्रा का बहुत अहम रोल रहा। अब दूसरी यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस इसकी टाइमिंग को लेकर हुआ, क्यों? क्योंकि लोकसभा का चुनाव सिर पर था। अब मैं आपको न्यूज 18 इंडिया के मेगा ओपिनियन पोल के हवाले से एक बात और बता देना चाहती हूँ। इस वक्त लोग चुनाव के लिहाज से भी राहुल वर्सेस मोदी ही देख रहे हैं, इसीलिए जब लोगों से ये पूछा गया कि वो राहुल या मोदी किसे पीएम के तौर पर देखते हैं, 59% लोगों ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया है। वहीं 21% लोगों ने राहुल गांधी के नाम पर भी यहां पर मुहर लगाई है। लेकिन अब ये वक्त तय करेगा कि राहुल गांधी के लिए चूंकि ये खुद भी बड़ा इम्तिहान है तो क्या ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और यात्रा हुई है वो कितनी मुफीद साबित होती है, इसका इंतजार करना होगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।